बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, फ़र्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं फ़िज़िक्स का जो फ़र्स्ट ईयर का पेपर है उसके लिए रेडी हो जाएं। एक तो ये पेपर जो है आप लोगों का 6 तारीख को है, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को आप अभी आज जो है, मैं सिर्फ अभी आप लोगों के कहने पर जल्दी जल्दी ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, यानी थ्योरिटिकल न्यूमेरिकल जो है मैं इंशाल्लाह शाम तक जो है उनको भी ऐड कर दूंगा। और ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम की कमी है, लेकिन बच्चों का बार बार कहना था कि सर हमें तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने थ्योरी डाल दी है ताकि आप इस थ्योरी को देखकर अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दें। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ स्किप नहीं करना आप लोगों ने, बहुत ही मतलब सोच समझ के और सारी चीज़ें हासिल करके। अच्छा, आपका इसका चूँकि मॉडल पेपर भी आया हुआ था, हो सकता है उसमें से भी कुछ आ जाए क्योंकि न्यू बुक है, लेकिन सिर्फ उस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन मैंने वहाँ से भी लिए हैं, लेकिन वो सिर्फ मॉडल पेपर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन जो है आपकी पूरी बुक है उसमें से लेकर इसमें ऐड किए हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हैं। मेरा गेस्ट पेपर जो लास्ट के दिनों में होता है वो सिर्फ इसीलिए होता है कि शॉर्ट गेस्ट पेपर होता है, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल तैयारी नहीं कर सके वो अपनी तैयारी कर लें, या जिन बच्चों ने तैयारी की हुई है मेरे गेस्ट पेपर को सिर्फ मैच कर लिया करें कि ताकि उन्होंने ये चीज़ें की हुई हैं कि नहीं की हुई, बस इसीलिए होता है ये। तो कोशिश करें अगर कुछ बच्चों ने नहीं तैयारी की हुई तो इसको स्टार्ट कर दें। इसमें आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल पेंडोलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये बहुत अहम है भाई। उसके अलावा कैपेसिटर आपका जो है चैप्टर, ये भी अहम है, इसमें से ये सवाल दिया है। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये जो है वाई द सेंट्रल रिंग ऑफ न्यूटन्स रिंग इज़ डार्क, ये जो चैप्टर है और ये जो मतलब है टॉपिक, ये बहुत अहम है। इसमें मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं 2-3, ये आप गौर से देख लीजिएगा और इसकी अच्छे से आपने तैयारी करनी है, इनमें से ही कोई क्वेश्चन बनकर आएगा, इसलिए मैंने सब क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से डाला है इसको। डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स रेक्टुलर, ये जो वैक्टर्स वाला भी है रेक्टुलर कंपोनेंट्स मेथड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की हैं वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं, उन पे ज़्यादा दोबारा कह रहा हूँ कि जो मुझे और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं तो उन पे मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। उसके अलावा जो है वैसे तो डिफरेंस आपके फिज़िक्स के उसमें आता नहीं है, मैंने काफ़ी चेक किया है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा डेफिनेशंस नहीं है, तो इसलिए मैंने भी वो ऐड नहीं की। ठीक है, व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड, हाँ ये जो कंजर्वेटिव का है ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है और बड़ी वर्डिंग के साथ आता है, इसमें ये देख लें, स्टेट एंड प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव। फिर इसी तरह व्हाट इज़ द काज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ और बाय यूजिंग अ डायग्राम। फिर है डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, ये डॉपलर्स इफेक्ट भी काफ़ी जो है अहम है, ये भी ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है मैंने जो क्वेश्चन ऐड किए हैं, कभी पेपर ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाए तो उसमें से क्वेश्चन मेरे आने चाहिए, मेरी कोशिश ये होती है, इसलिए इसमें हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपने लास्ट केमिस्ट्री के पेपर में भी देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चन मैंने दिए थे जो नहीं भी आए, लेकिन उनमें उसके अलावा भी जो पेपर में आया वो मैंने सभी दिए हुए थे, तो इस तरह की चीज़ जो है कोशिश करनी पड़ती है। व्हाट इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन, रिजोल्व द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास एम स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इन टू कंपोनेंट्स एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड एंड डिपेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये ग्रेविटेशन का भी जो है इसी तरह एक एक्सप्रेशन या जो है क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर गिविंग ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट एंड एग्जांपल ऑफ ईच शो दैट ए बी बी आल्सो शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो वेक्टर का मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग ग्रेटिंग, ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड ग्रेटिंग एलिमेंट, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसका भी ज़रूर ये सवाल आएगा और एक आधा न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल कल मैं आपके साथ ये करूँगा, शेयर कर दूँगा। अभी ये प्रूफ दैट द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका भी एक सवाल
ज़रूर आता है और वो आना चाहिए, इसलिए मैंने ये दो तीन किस्म के सवालात की वर्डिंग के हिसाब से इसको मैंने आप लोगों के साथ ऐड किया है। तो बहरहाल ये जितना भी पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत कम क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है और बहुत सोच समझ के मैंने इनको ऐड किया है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है, सबकी तैयारी करनी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ ठीक हो गया, और फिर ये जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, आपने प्रूफ करनी है। तो ये तीन मैंने जो है यहाँ पर दे दी हैं, तो आप इसकी जल्दी से तैयारी कर लें जब तक मैं न्यूमेरिकल बनाकर फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शाम में वो भी शेयर करता हूँ। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।